नमस्कार दोस्तों, भारत ने वो बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान को बैठा दो और उड़ा दो, यानी कि इंसान अब उड़ता हुआ परिंदा बन जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत के इस कामयाबी को लेकर पूरे दुनिया हैरान है। और दोस्तों, ये कोई बड़ा कंपनी नहीं किया है, जी हाँ दोस्तों, भारत का एक छोटा सा स्टार्टअप कंपनी सागर डिफेंस ने कर दिखाया है। दोस्तों, चीन से लेकर यूरोप तक, अमेरिका तक हरकंप मचा हुआ है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अब तो हर इंसान उड़ता हुआ परिंदा बनेगा, अब तो फिर दुनिया में भारत इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में बादशाह बन जाएगा। और बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका यूरोप सब बोल रहा है कि इस पर बैन लगा दो भैया, अगर ये चल गया तो भविष्य में ये तमाम छोटे मोटे गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएगा, सब तो ड्रोन से ही उड़ के जाएगा। दोस्तों, भारत के इस कामयाबी को लेकर दुनिया में डंका बज रहा है, और ख़ास तौर पे तमाम टीवी चैनल में, तमाम मीडिया में और थिंक टैंक उस पर बड़े बड़े रिपोर्ट छाप रहा है, बोल रहा है कि ये जो हुआ है ये 21वीं सदी का बहुत बड़ा आविष्कार है। और दोस्तों, सब बोल रहा है कि यहाँ से भारत का जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से अलग हो जाएगा। मैं आपको तमाम बातें बता सकता हूँ, हुआ क्या है, किस प्रकार से अब आदमी उड़ने वाला है, और इससे किस प्रकार से हम लोग अब एक साथ दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से पंगा ले सकते हैं, एक ही साथ बड़े बड़े देश से युद्ध हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों आदमी नहीं भेजेंगे, एक ड्रोन में दोस्तों बम का गोला भेजेंगे और खासतौर से उनको उड़ा देंगे, यानी कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको शुरू से बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं, दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते हैं आखिर क्या हुआ, लेकिन इनसे पहले एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत का रुपया मजबूत हो, जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे वर्तमान में भारत का रुपया कमज़ोर हो रहा है, एक डॉलर बराबर 80 रुपया हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत का जीडीपी भी मजबूत हो, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भारत में रोजगार आए, अगर आप चाहते हैं कि भारत का कंपनियाँ बहुत बड़ा कंपनियाँ बने, मल्टीनेशनल कंपनियाँ बने, मल्टी बिलियन का व्यापार करे, जिस प्रकार से अमेरिका का कंपनी पूरे यूरोप में छाया हुआ है, भारत में छाया हुआ है, चीन में गया हुआ है, यानी कि अमेरिकी कंपनी दुनिया के कोने में जाकर पैसा लूटता है। दोस्तों, यूरोप की कंपनी दुनिया के कोने में जाकर पैसा लूटता है, चीन का कंपनी हर देश में जाकर पैसा लूटता है, भारत में भी लूटता है। क्यों? उस कंपनी के पास पैसा बहुत है। दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मित्र बोलेंगे, भैया भारत का तो बहुत सारे कंपनी है, छोटे मोटे कंपनी है, तो हम लोग यूरोप क्यों जा पाते हैं, हम लोग अमेरिका में क्यों जाते हैं, हम लोग जगह जगह जाके क्यों कमाते हैं। दोस्तों, कारण क्या है, हमारे कंपनी के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी तो है, आविष्कार कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, फंड नहीं है। और दोस्तों, केवल कुछ कुछ कंपनियां ही दुनिया में राज कर रहा है भारत का, खासतौर पर टाटा हो गया, ये जियो हो गया, रिलायंस, दोस्तों कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनी है ना जो पूरे दुनिया में है, बाकी भारत का कोई बड़ा कंपनी अभी भी विदेश में नहीं है, क्योंकि पैसा कमी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग शेयर बाज़ार में जाइए, स्टॉक बाज़ार में जाइए, और दोस्तों स्टॉक मार्केट में भारत के छोटे मोटे कंपनियों को आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप भी इसे कमाइए। आप बोलेंगे भैया हम सपोर्ट करेंगे, कमाएंगे इसे। देखिए दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं तो वो कंपनी बड़ा बन सकता है, और ये कंपनी आपको लाखों नहीं दोस्तों करोड़ों कमा के दे सकता है। और कोई छोटा कंपनी बड़ा बनता है ना, तो इसे देश का बहुत बम्पर फायदा होता है, रोजगार आता है दोस्तों, और दुनिया में भारत का डंका बजता है, रुपया मजबूत होगा। दोस्तों, ये सच्चाई है। इसीलिए अमेरिका क्यों इतना मजबूत है, दोस्तों अमेरिका में बच्चे बुजुर्ग सब शेयर बाजार में पैसा निवेश करता है। अब दोस्तों, आप ये मत करना कि आप जितना कमाते हो उतना पूरा निवेश कर देना, केवल दोस्तों 4-5%, मान लो आप 10,000 कमाते हो तो केवल 200 से लेकर 400 रुपया हर महीने आप निवेश कीजिए, कोई बड़ा बढ़िया सा कंपनी खोज के कीजिए, ताकि भविष्य में आपको रिटर्न भी मिले और आपका देश भी तरक्की पे जाए, कंपनी भी बड़े बड़े कंपनी बन जाए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, भैया ये शेयर बाजार का प्रचार क्यों कर रहे हो, क्या कोई कंपनी आपको पैसा दिया है? दोस्तों, कोई मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूँ देश हित में, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दिया हूँ, ठीक है, इससे आपको ही मुनाफा होगा और देश को भी होगा। अब जानते आखिरकार हुआ क्या, भारत ने क्या आविष्कार किया है। देखिए दोस्तों, आप लोग बड़े बड़े रिपोर्ट पढ़ लिए होंगे, आप जानते हैं 2040 तक 35 तक वही देश महाशक्ति कहलाएगा जिसके पास रोबोट बहुत ही एडवांस हो, जिसके पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो। इस दोनों में जो महारत हासिल कर लिया उसे हरा पाना असंभव है। 2040-50 के बाद न्यूक्लियर बम का दोस्तों कोई काम नहीं। आप बोलेंगे भाई ये हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, 2040-50 के बाद एक से बढ़कर एक वैरायटी का मिसाइल आ जाएगा, डिफेंस सिस्टम आ जाएगा जो न्यूक्लियर बम को हवा में ही गिरा देगा, इसका तो तोड़ निकल जाएगा। लेकिन रोबोट और ये जो ड्रोन है उसका तोड़ कोई निकल नहीं पाएगा दोस्तों। ये अगर जितना इंटेलिजेंस
दोस्तों रोबोट को अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस कर देंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस कर देंगे, तो फिर उसे पकड़ पाना असंभव हो जाएगा। इंसान जैसा दिखेगा और कहीं भी जाकर कोई बड़ा कारनामा कर दिखाएगा। दुनिया अभी रोबोट और ये ड्रोन पर काम कर रहा है। और दोस्तों भारत इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, लेकिन भारत का जो DRDO है दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करके खासतौर पर आप देखे हैं ड्रोन बना रहा है, अटैक ड्रोन बना रहा है, खासतौर पर सर्वेलेंस ड्रोन बना रहा है। भारत का कंपनियां भी दोस्तों काम कर रहा है और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रहा है। अब यहां पे एक भारत का छोटा सा कंपनी है जिसका नाम है सागर डिफेंस। दोस्तों सागर डिफेंस ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें आप आदमी को आराम से बैठा दो, यानी कि लगभग 120 kg से ऊपर, कितना, 1 क्विंटल 20 kg से अधिक दोस्तों, यानी कि लगभग आप आराम से 120 kg रख दो और आराम से ये लगातार 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर नहीं लगातार 30 से 25 किलोमीटर दोस्तों ये उड़ सकता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, और लगातार कम से कम 35 से लेकर 40 मिनट ये उड़ सकता है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया ये क्या हम बोल रहे हैं, अगर इंसान को ड्रोन में उड़ाना है तो भाई ये फाइटर प्लेन क्यों है, हेलीकॉप्टर क्यों है, ये भी तो काम करता है ना, इंसान तो हवा में उड़ता भी है, किस फाइटर प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, तो हम लोग बड़ी बात क्या किए, बड़ी अचीवमेंट क्या किए, भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो केवल बकवास है। दोस्तों ऐसा सोचेंगे ना, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। देखिए दोस्तों, चाहे फाइटर प्लेन हो, अटैक हेलीकॉप्टर हो, या फिर कोई आम हेलीकॉप्टर हो, या फिर हवाई जहाज हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसको चलाने के लिए एक आदमी चाहिए, ठीक है, एक पायलट चाहिए, ठीक है, उसे ट्रेनिंग चाहिए, फिर वो चला पाता है। और बड़ी बात यह है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती होता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, अटैक हेलीकॉप्टर हो, या फिर हवाई जहाज हो, उसे उतारने के लिए एक हेलीपैड हो, या फिर एयरपोर्ट हो, यानी कि तमाम बड़ा बड़ा व्यवस्था कीजिए, बहुत समस्या है। लेकिन दोस्तों ड्रोन को आप कहीं से भी आप उड़ा सकते हैं, आपके हाथों में कंट्रोल होगा बिना किसी पायलट का। जी हाँ दोस्तों, आप बैठे बैठे ड्रोन को 30 किलोमीटर अंदर भेज सकते हैं और बिना किसी पायलट का और बिना किसी रिस्क का आराम से आप बड़े से बड़े ऑपरेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया इसे कौन सा ऑपरेशन होगा, कैसे भारत महाशक्ति बनेगा। दोस्तों अब चलिए हम ही जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो युद्ध हो रहा है, ठीक है, और युद्ध में अगर आपका 50 फाइटर प्लेन अगर नुकसान हो गया दोस्तों, आप युद्ध हार सकते हैं, ठीक है। फाइटर प्लेन दोस्तों बहुत कीमती होता है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जैसा जिसके पास फाइटर प्लेन गिना चुना होता है, यूरोप जैसा जिसके पास गिना चुना होता है, अगर 100 से अधिक फाइटर प्लेन गिरा तो समझो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे आप सस्ता और हल्का सा कोई ड्रोन भेज दो जिसमें आदमी हो और वो जाके दुश्मन का सफाया कर दे, दोस्तों कितना अच्छा होगा, तांडव मच जाएगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर रिस्क भी कम है, क्योंकि खासतौर पर यह कंप्यूटर से ऑपरेट होगा, ये रिमोट से ऑपरेट होगा, और आराम से आप सेटेलाइट से देख सकते हैं दुश्मन कहाँ पे खड़ा है, और उसी के अनुसार आप इस ड्रोन को भेज के और आदमी को भेज के आप कहीं पे उतार भी सकते हैं। मान लो हमें पाकिस्तान में कोई बड़ा अटैक करना है, तो मान लो हम लोग हजारों छोटा ड्रोन भेज देंगे, उसमें अपने आर्मी को रख देंगे और आराम से वो पाकिस्तान में उतरेगा और वहाँ पर जाके बड़ा अटैक करके फिर से ड्रोन से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए दुनिया हैरान बोला भैया ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास मजबूत हो गया तो भारत को फिर हरा पाना असंभव होगा। भविष्य में भारत के पास तरह तरह का वैरायटी का ड्रोन आएगा। और दोस्तों ये जो सागर डिफेंस है ना, सागर डिफेंस ने पहले कहा कि इस ड्रोन का जो टेक्नोलॉजी है हमने भारत सरकार दिखाया है, मोदी जी को दिखाया है, सब खुश है और बहुत जल्द ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के लिए उपयोगी होने वाला है, भारतीय आर्मी के लिए उपयोगी होने वाला है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, भारत के अचीवमेंट से दुनिया हैरान है।